जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम दूसरे को प्यार दे सकते हैं और उसका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 1 सितंबर को 2020 में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है और इस दिन 3 त्यौहार एक साथ हैं। पहला जैन धर्म, जैन धर्म के अंदर जो व्रत हैं उनका समापन है। दूसरा गणेश विसर्जन भी इसी दिन है। तीसरा अनंत चतुर्दशी। श्री नारायण जो निराकार हैं, निर्गुण हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो कण कण में वास करते हैं, इस दिन धागे में 14 गांठ लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा रहता है। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, ये 14 रत्न 14 गांठ उसी का स्वरूप है। कहते हैं जिस समय पांडव अपनी सारी सुख संपत्ति सब हार गए थे, उस समय श्री हरि ने बोला था कि अनंत चतुर्दशी का आप व्रत रखें और साथ ही कुछ दान पुण्य, व्रत, कथा, ये सब करेंगे तो आपकी जो भी आपने जुए के अंदर हारा है वो सब प्राप्त हो जाएगा। इतना महत्व है चतुर्दशी का। आज मैं आपके लिए जो है ना 3 महा उपाय, बहुत शक्तिशाली उपाय हैं, ये आप ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठ कर के आपने अपने पूजा घर है उसको क्लीन करना है। वहाँ पर आपने 1 तांबे के लोटे के अंदर पानी भर करके रखना है और ये जो पानी का लोटा है ये श्री हरि के लिए रखना है। और साथ ही आपने सफ़ेद धागा लेना है आपने और उसके अंदर आपने रोली, हल्दी और केसर, इन तीनों को घोल लीजिएगा और उसका धागे को उसके अंदर डुबो करके वो पीला धागा बन जाएगा। उसके अंदर आपने 14 गांठ लगानी है। उसके अंदर 14 गांठ लगाने के बाद में उस धागे को आपने विष्णु सहस नाम का पाठ करना है। अगर विष्णु सहस नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, आपने ओम विष्णुये नमः, ओम विष्णुये नमः, ओम विष्णुये नमः 108 बारी करना है। कहते हैं जहां पर विष्णु जी का नाम का उच्चारण होता है वहां पर लक्ष्मी जी का वास होना शुरू हो जाता है। दूसरा गणेश विसर्जन भी है इस दिन। गणेश जी के चरणों की मिट्टी थोड़ी सी ले लीजिएगा, साथ में धूप ले लीजिएगा, जो घास होती है उसको लेना है आपने, 1 सुपारी और 1 सिक्का और 1 पीला कपड़ा, इन सब चीज़ों को आपने 1 पीले कपड़े के अंदर बांध करके आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो भी कष्ट हैं उन विघ्नों को आप दूर करें। इसको आप अपनी तिजोरी के अंदर रख सकते हैं या आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं। तीसरा और महा उपाय, बर्ड हॉस्पिटल के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ हमें दान देना चाहिए क्योंकि वो बेजुबान हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, और ख़ासकर अनंत चतुर्दशी वाले दिन ज़रूर दान करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा और आपकी जो भी आप कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। जय श्री राम।